तो ये है DS3231 RTC यानी रियल टाइम क्लॉक। आप इसे अमेज़ॉन पर खरीद सकते हैं। DS3231 RTC मॉड्यूल इस नाम से सर्च करने पर आपको इस तरह का मॉड्यूल मिलेगा। इस मॉड्यूल की यह मेन आईसी है। इस पर हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें तो DS3231 लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। इस मॉड्यूल के एक तरफ लंबी पिनें लगाई गई हैं। ये पिनें इस मॉड्यूल को ब्रेडबोर्ड पर कनेक्ट करने के लिए काम आएंगी। इस मॉड्यूल के दूसरे छोर पर भी कनेक्शन देने के लिए पॉइंट्स हैं। इसमें से जो चार पिन्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो हैं ग्राउंड, VCC, SDA और SCL। यहाँ का ग्राउंड हम आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। यहाँ के VCC को हम आर्डिनो के 5 वोल्ट वाली पिन से कनेक्ट करेंगे। SDA पिन को हम आर्डिनो के A4 पिन से जोड़ेंगे और SCL पिन को हम आर्डिनो के A5 पिन से जोड़ेंगे। अब हम इसकी दूसरी साइड को देखते हैं। यहाँ पर एक बैटरी सेल लगा हुआ है जिस पर CR2032 लिथियम सेल 3 वोल्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। ये सेल भी हमें खरीदना पड़ेगा। यह मॉड्यूल आपको दो तरह का मिलेगा, एक तो सेल के साथ और सेल के बिना भी। इस मॉड्यूल को खरीदने के बाद आपको इसके सेल होल्डर में यह सेल बिठाना पड़ेगा। इसका सेल बिठाते समय उसकी प्रिंटेड साइड ऊपर की ओर रहे, इस बात का ख्याल रहे। इस मॉड्यूल के बारे में ख्याल रखने वाली एक और बात है, वह है इसका चार्जिंग सर्किट। इसमें बैटरी को चार्ज करने वाला सर्किट बना होता है जिसमें एक रजिस्टर और एक डायोड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यह RTC मॉड्यूल एक रिचार्जेबल बैटरी के साथ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। तो आप इसमें रिचार्जेबल बैटरी का इस्तेमाल करते हैं तो जैसे ही आप इस मॉड्यूल को ऑन करेंगे, यानी इसके VCC को आप 5 वोल्ट का एक्सटर्नल पावर सप्लाई देंगे, तो वह बैटरी साथ ही साथ चार्ज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि आमतौर पर नॉन रिचार्जेबल बैटरी का इस्तेमाल होता है। CR2032 इस नॉन रिचार्जेबल सेल का हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। रिचार्जेबल बैटरी काफ़ी महंगी होने के कारण आसानी से नहीं मिलती, इसलिए आमतौर पर हम नॉन रिचार्जेबल बैटरी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो नॉन रिचार्जेबल बैटरी का इस्तेमाल करने पर यह चार्जिंग सर्किट हमें दिक्कत में डाल देता है। बैटरी कोई भी हो, यह उसे चार्ज करना शुरू कर देता है। अगर आप इस मॉड्यूल में बैटरी लगा कर रखें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब इस मॉड्यूल को आर्डिनो के साथ कनेक्ट करते हैं और VCC को 5 वोल्ट का सप्लाई देते हैं, तब यह चार्जिंग सर्किट पीछे की ओर लगी हुई बैटरी को चार्ज करने की कोशिश शुरू कर देता है। तो नॉन रिचार्जेबल बैटरी को चार्ज करने की कोशिश करने पर क्या होगा? यह बैटरी धीरे धीरे गर्म होने लगेगी। इस मॉड्यूल को सर्किट में जोड़ने पर टेस्ट करने के लिए इसे कुछ मिनटों के लिए अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका कुछ खास बुरा असर नहीं दिखाई देगा। लेकिन आप इसे लंबे समय के लिए सर्किट में जोड़कर रखना चाहते हैं और आपने VCC को 5 वोल्ट का सप्लाई दिया हुआ है, तो बैटरी गर्म होकर फूल जाएगी और सर्किट को भी डैमेज हो सकता है। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए हमें इसका चार्जिंग सर्किट डिसेबल करना होगा। आप इसके लिए रजिस्टर को सोल्डरिंग गन से हटा सकते हैं। यह एक सरफेस माउंटेड रजिस्टर है तो इसे हटाने में कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक मॉड्यूल में मैंने रजिस्टर को हटा दिया है। रजिस्टर को हटा देने पर बैटरी का हीटिंग प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाता है। एक बात यह याद रहे कि अगर आप 3.3 वोल्ट के सप्लाई से काम कर रहे हैं तो ये हीटिंग प्रॉब्लम शायद आपको नहीं महसूस हो, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में हमें 5 वोल्ट सप्लाई देना ज़रूरी है, इसलिए हमें इस रजिस्टर को हटाना भी ज़रूरी है। DS3231 इस RTC मॉड्यूल का किसी भी सर्किट में इस्तेमाल करने से पहले इसको टाइम सेट करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम आर्डिनो से इसे कनेक्ट करके इसमें टाइम सेट करेंगे। तो ये कैसे किया जाता है यह हम अगले वीडियो में देखेंगे।